हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नए जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे STDP चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो है NPCI के द्वारा निकाला गया है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जितने भी पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन जितने भी पेमेंट ऐप है, वो सभी किससे जुड़े हुए हैं, NPCI से। मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जॉब है बहुत ही रॉयल की जॉब है। ये सब जॉब की वैकेंसी बहुत ही कम आती है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ओनली 4 डेज रखा गया है, और 2 दिन बाद आपका टेस्ट लेगा, उसके 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू लेके आपको फाइनल सिलेक्शन भी कर लिया जाएगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि NPCI द्वारा कितने फास्ट काम किया जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो इसमें जो लोग भी BE/BTECH किए हो वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बट यहाँ पे कंडीशन रखा गया है Only 2021-2022 जो भी कैंडिडेट BTECH इन 2 ईयर से पास हुए हो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोग बता दूं, तो आपका 12th में 60% मार्क्स भी रहना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे लगाया गया है, और आपका सेमेस्टर में कोई बैकलॉग भी नहीं रहना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये जॉब है बहुत ही रॉयल की जॉब है, तो आप लोगों को जो लोग भी इसमें एलिजिबल हो वो जरूर से जरूर अप्लाई करो। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें सैलरी की बात करूं, तो इसमें जो आपका सालाना सैलरी बनने वाला है, जो आपका पैकेज मिलेगा, वो आपका 6,89,000 रुपया आपको मिलने वाला है। तो पहले आप लोगों को ट्रेनिंग में जो पैकेज मिलेगा वो 2 लाख का पैकेज मिलेगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको 6,89,000 रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सब लोग से, अगर हमारे STDP चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को घंटे भी दबा लो, ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है यार। तो चलिए मैं आप लोगों को अब नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट चिपकाएंगे, इन सभी चीज को फुल डिटेल में जानेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ अप्लाई का भी लिंक मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ NPCI के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओनली गूगल पे दिया गया है। तो मैं आप लोगों को उसमें पेंसिल का यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसको PDF फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट करके आप लोगों को बताया है। तो जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक दूंगा वो डायरेक्ट आपके गूगल पे ओपन होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि NPCI के द्वारा वैकेंसी निकाला गया था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रखा गया है 28 अप्रैल तक यहाँ पे रखा गया है। तो आज जो डेट हो गया 25 तारीख हो गया है, तो ओनली 3 दिन ही है समय आपके पास। तो आप लोग इसमें जरूर से जरूर आप जाके अप्लाई करो, और यहाँ पे अप्लाई लिंक जो है यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट वहां पे अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां से खुल के आ जाएगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि कैसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है वो 250 वैकेंसी निकाली गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका जैसे ही आपका उसमें बहाली हो जाएगा, जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो 6,89,000 आपका सालाना यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख आपका ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पे दिया जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका जॉब लोकेशन होगा हैदराबाद, चेन्नई एंड मुंबई, 3 जगह आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। तो जगह भी बहुत अच्छी जगह है, घूमने फिरने वाला भी जगह है, तो आप वहां से अच्छे से जॉब करो और घूमो फिरो भी यार, क्या करोगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो चीज है ये सब प्रचार दिया गया है, तो प्रचार को हम लोग क्या करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सभी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी चीज पाया जाता है। आजकल तो फास्टैग का भी बहुत ज्यादा जमाना आ चुका है, तो ये सभी चीज जो है NPCI के द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 5 मिलियन ट्रांजिशन ऐसे हर दिन होता है। तो यहाँ पे ये सब भी देख सकते हो, ये सब प्रचार इन्होंने किया है, तो ये सब चीज से हम लोगों को क्या लेना देना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 200 कंट्री प्लस इनका एक्सेप्टेड है रुपए, बहुत अच्छी चीज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो चीज है आपको देख लेना है।
और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 21-22 का जो लोग भी बीटेक पास आउट हो वही लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। 10th 12th और बीटेक में अगर आपका 60% मार्क्स है तो ही इसमें अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोई भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 28 अप्रैल है, तो शुरू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, 28 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आपको अप्लाई करना है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिलेक्शन टेस्ट जो है 30 अप्रैल को आपको ले लिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि एग्जाम भी इसके 2 दिन बाद ही ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू भी देख सकते हो, 5 तारीख को आपको इंटरव्यू भी ले लिया जाएगा, 10 दिनों के अंदर में आपका एग्जाम और इंटरव्यू ले लिया जा रहा है। तो अभी इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए यार, मोदी सरकार की जय हो, इतना अच्छा जॉब निकाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 आपका राउंड होगा, प्री और फाइनल, दोनों में आपका प्री निकलेगा तो उसके बाद फाइनल में आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट जो होगा 12 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी बात है। और कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप इस पे मेल कर सकते हो। और ये सब चीज जो है दिया गया है कैसे ये ग्रो कर रहा है, सही बात है, डिजिटल पेमेंट आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और बहुत अच्छी भी चीज़ है डिजिटल पे, लेकिन इससे फ्रॉड भी, साइबर फ्रॉड भी बहुत। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, तो जैसे ही सबसे लास्ट पेज में यहाँ पे आओगे तो आपको एड्रेस भी यहाँ पे दे दिया गया है कि हैदराबाद में आपका कहाँ पे जॉब लगने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चेन्नई में आपका इस जगह जॉब लगने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मुंबई में आपका इस जगह जॉब लगने वाला है। तो ये सभी चीज जो है यहाँ पे फुल डिटेल में दे दिया गया है, मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन का लिंक अवेलेबल करवा दूं। दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर हमारा STTP चैनल के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको जरूर जाके फॉलो करें, क्योंकि मैं सबसे पहले जॉब एवं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑटोकैड का सीरीज, तो सभी का जो मैं पहले अपडेट देता हूँ वो सोशल मीडिया पे ही देता हूँ, तो आप लोगों को भूलना नहीं है ज्वाइन एवं फॉलो करना। दोस्तों हमारे STTP चैनल पे कैड का सीरीज चलाया जाता है, तो अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख जाएगा, आप सिंपली जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते अच्छा हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।